YouTube चैनल कैसे हैं आप, और उम्मीद है सब ठीक होंगे। और जितने भी चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा कि बहुत ही बड़ा इंकशाफ कि आज तक चांद पे कोई भी नहीं गया। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बारे में कि आपने बहुत सारे व्यूज़ देखे होंगे कि बादलों के ऊपर अलग अलग सी तस्वीरें बन रही हैं, इमेजेस बन रही हैं, ये देख सकते हैं आप जो साथ में आपके साथ चल रही है वीडियो के ऊपर। तो इसी तरह ये सारी जो है ना टोटली प्रोपेगेंडा नासा का है। तो अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे इस बारे में कि चांद के ऊपर अभी तक कोई भी नहीं गया। तो भाई 20 जुलाई 1969 को एक साइंटिस्ट हमारे अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, जिनका इंकशाफ है कि वही वो लोग गए हैं चांद के ऊपर और जा और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी अपनी स्नैपशॉट्स खींची हैं। ये वो तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप चांद के ऊपर गए हो तो वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा एक मिल्की वे है, बहुत ही बंच ऑफ गैलेक्सीज है। तो वहाँ पर तो हमें तो कोई गैलेक्सी किसी भी तस्वीर के अंदर नज़र नहीं आया। अभी वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता फ्रेंड्स आपके साथ, अभी यूट्यूब पर नहीं डाल सकता मैं, वो कॉपीराइट आ जाएगा और यूट्यूब तो मेरी भी वीडियो को उड़ा देगा। तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप गूगल के ऊपर सर्च करें, आप जितने भी वीडियोज़ हैं उसके देखें, अगर किसी भी वीडियो के ऊपर कहीं पर भी आपको कोई मिल्की वे नज़र आ रहा है, कोई गैलेक्सीज नज़र आ रहे हैं तो देखें आप। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक अब तक कोई चांद पे गया है या नहीं गया, तो ये सिर्फ एक सोचा छोड़ा हुआ है। क्योंकि वहाँ पर आप ज़मीन पे खड़े होकर देखते हो तो आपको आसमान के ऊपर कितने सारे गैलेक्सीज नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारे सितारे नज़र आ रहे होते हैं। तो आप चांद के ऊपर खड़े होकर आपके पास आपने तस्वीरें बना ली, इमेजेस बना ली, वीडियो बना ली वहाँ पर, और आपके पास कोई एक गैलेक्सीज नज़र नहीं आया। तो रही बात बादलों पे बनने वाली इमेजेस की, तो जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि नासा के पास बहुत ही डिजिटल तरह के कैमरे हैं जो ये लोग नीचे से उसका रिफ्लेक्ट देते हैं, इमेज बनाते हैं, बादलों के ऊपर पूरा इमेज बन जाता है उस तरह का, बादल घोड़ा बना हुआ है, कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ खड़ा हुआ वहाँ पे, किसी का नाम लिखा हुआ वहाँ पे। तो ये टोटली जितना भी है सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ये हर चीज़ स्क्रिप्टेड है, पहले से ऑर्गेनाइज किया हुआ है इन चीज़ों को और माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है बस, और कुछ भी नहीं है, लोगों को बहकाया जा रहा है। अगर ये लोग चांद पे गए हैं या सारी इस तरह की चीज़ें आ रही, तो ये लोग वीडियो पे क्यों नहीं दिखाते हमें? तो अगर आप लोग चाहते हैं आपको कोई डिटेल्ड वीडियो मिले इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, फिर उसमें मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो सुनने में तो बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि चांद पे कोई भी नहीं गया, लेकिन ये हकीकत है। अब देखें और इस पे हम लोग रिसर्च करें।